क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन शांडिल प्रतिदिन की तरह एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी के अपने एवं सबसे खास लोकप्रिय कार्यक्रम कुंडली दर्शन में। और आज कुंडली दर्शन के इस विशेष राशिफल विशेषांक कार्यक्रम में बात करेंगे आपके आज के दिन के राशि फल के बारे में। जी हाँ, इस कार्यक्रम में जानेंगे मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों के जीवन में आज क्या कुछ हो सकता है। जीवन साथी या मित्रों से बनेगी आपकी बात या फिर सारा दिन आपसी कलह क्लेश में बह जाएंगे आपके जज्बात। नौकरी व्यापार में कैसे करें आज उचित समय की पहचान, मुनाफे से होगी दिन की शुरुआत या फिर हो जाएगा कोई बहुत बड़ा नुकसान। क्या है ग्रह नक्षत्र और सितारों की चाल, क्या होगा आज के दिन आपकी राशि का हाल। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से, फिर क्रमशः बारी बारी से सभी राशि वालों के राशिफल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि वाले नौकरी पेशा और बिजनेस करने वाले लोग नए कामों की योजना बना सकते हैं। कुछ भविष्य की योजना भी आज के दिन आप बनाने के बारे में सोच विचार करने वाले हैं। पत्नी और बच्चों के साथ आज के दिन आपको बातचीत अवश्य करना चाहिए और उनसे कोई सलाह विचार भी मिल सकती है। किसी नए रिश्ते पर आज के दिन बातचीत हो सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके लव लाइफ अच्छी रहेगी। भावनाओं को आज के दिन आप नियंत्रण में रखें। पैसों की समस्या दोस्तों की मदद से खत्म हो सकती है। किसी खास काम के लिए आज आपको दोस्तों की जरूरत होने वाली है। आज के दिन जो कुछ नकारात्मक बातें आपके राशिफल इशारा कर रहे हैं, आपको किसी पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। आज थकाने वाला दिन हो सकता है। आज आप लोगों की बातों में आकर गलत फैसले ले सकते हैं। कोई भी फैसला आज आपको सोच विचार कर ही लेना चाहिए। पैसों को लेकर किसी के साथ वाद विवाद होने के भी योग बन रहे हैं। कोई आपको धोखा भी दे सकता है। वाद विवाद होने की संभावना आज के दिन बहुत ज़्यादा बन रहा है, इसलिए आपको आज बहुत सावधान रहना है और सुरक्षित रहना है। लव लाइफ की यदि बात करें तो आज के दिन आपको अपने जीवन साथी के लिए या अपने पार्टनर के लिए थोड़ा समय जरूर निकालना चाहिए और उनकी भावनाएं आज आपको सुनना चाहिए। इसके साथ ही अपने दिल की बातें भी उनसे शेयर जरूर करें। दाम्पत्य जीवन में चली आ रही परेशानियां बहुत हद तक कम हो सकती है। हेल्थ की यदि बात करें तो कोई पुराना रोग आपको परेशानी में डाल सकता है। आज के दिन यदि बिजनेस करने वाले लोगों के बारे में बात करें तो आपको कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे। वहीं पर अगर देखें कि आज इस राशि के स्टूडेंट के लिए दिन कैसा है तो थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको हो सकती है, पढ़ाई में कुछ कम मन लगेगा। आज के दिन उपाय में क्या करें, उपाय में भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम उपाय रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले आज नौकरी और बिजनेस में आपको कुछ नए मौके मिल सकते हैं। इस स्थिति का फायदा उठाने में आप देर ना करें। आज आपके अच्छे व्यवहार से आपके निजी संबंधों में भी काफ़ी हद तक
सुधार हो जाएगा। मन की चिंता के बारे में किसी भरोसेमंद इंसान से बात होगी आपको। आज के दिन आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आज आप चतुरता से उलझे हुए मामले सुलझा सकते हैं। इससे आपके बहुत से काम भी पूरे हो सकते हैं। आपके लिए दिन शुभ है। कामकाज में सुधार होने के योग बन रहे हैं। आज के दिन जो कुछ नकारात्मक बातें हैं कि कोई नया विचार बार बार आपको परेशान कर सकता है। कुछ काम आपको कठिन या असंभव भी लग सकते हैं। किसी खास काम को लेकर आपके मन में हिचकिचाहट भी हो सकती है। इसलिए धैर्य और शांति का पालन करना आज के दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस राशि के लव लाइफ के बारे में यदि बात करें तो वैवाहिक जोड़े अपने जीवन साथी के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। आज आप कुछ रोमांटिक मूड में भी रहने वाले हैं और रोमांस के आनंद लेने वाले हैं। आज के दिन ज्यादा भावुक ना रहें, यह आपके लिए अच्छा होगा। और कोई बड़ा फैसला लव लाइफ को लेकर ना करें। यदि बिजनेस की बात करें तो धन लाभ हो सकता है, लेकिन लेन देन में आपको ध्यान रखना होगा। इस राशि के स्टूडेंट को अपने साथी के साथ पढ़ाई करने में सफलता मिल सकती है। कठिन विषय मिल बैठकर आज आप निपटाने वाले हैं। किसी एक विषय पर ही आज आपका ध्यान हो सकता है। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो सेहत थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। भोजन में सावधानी रखें। आज के दिन उपाय में क्या करें? उपाय में सुबह सुबह भगवान सूर्य का दर्शन करना, नमस्कार करना आपके दिन को बहुत ही अच्छा बिताने वाला है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले, आज आप सामाजिक कामकाज में उलझ सकते हैं। कुछ मामलों में आप काफ़ी राहत महसूस भी करने वाले हैं। छुट्टी मनाने या कहीं घूमने का मन भी हो सकता है। जरूरी कामकाज आज के दिन आपके पूरे होने के योग नजर आ रहे हैं। आज के दिन आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑफर भी मिल सकता है। यहाँ तक कि शादीशुदा होने के बावजूद भी आज आपके मन में कुछ विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। इस राशि के अविवाहित लोगों को शादी के कुछ अच्छे प्रस्ताव मिलने वाले हैं। आज के दिन सोचे हुए कुछ काम आपके पूरे हो सकते हैं। आज आप कुछ वाहन खरीदने का मन भी बना सकते हैं। आज के राशिफल में कुछ नकारात्मक बातें जो आपको ध्यान देना चाहिए। काम आपको करने की इच्छा में कुछ कमी आ सकती है। आज के दिन आपको किसी भी मामले में अति ना करें, जल्दबाजी ना करें, जिद्दीपन ना करें। आज आप ऐसे विचारों में उलझ सकते हैं जिन पर काम करना मुश्किल होगा। आपको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। सामाजिक कामकाज और खुद की सुख सुविधाओं पर आज के दिन ज़्यादा खर्च होने की संभावना बन रही है। मन में कोई ना कोई दबाव लगातार बना रहेगा। घरेलू मामलों में भी उलझने बढ़ सकती है। लव लाइफ की यदि बात करें तो आज के दिन की गई प्रेम की शुरुआत आपको आगे लॉन्ग लाइफ में लंबी चलने वाली है। कोई आज अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो किसी को प्रपोजल दे सकते हैं, भेज सकते हैं। यहां तक कि आज के दिन आपको कोई लव प्रपोजल मिल भी सकता है। दिन लव लाइफ के लिए अच्छा है। वाणी पर आज के दिन नियंत्रण रखें। बिजनेस के क्षेत्र में आज आपको कुछ कम मुनाफा होने के नजर योग बन रहे हैं। आज के दिन आपको किसी की नज़र भी लग सकती है। पढ़ाई में कुछ कन्फ्यूजन बना रहेगा और नतीजे आपको कुछ कम मिलेंगे। इसलिए इन सभी बातों से बचने के लिए शांति और धैर्य का इस्तेमाल करें। हेल्थ की यदि बात करें तो रक्त संबंधित विकार होने की संभावना बन रही है। आज के दिन उपाय में क्या करें? उपाय में आज के दिन सुबह सुबह पक्षियों को दाना डालना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेगा। अब आइए बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि वाले, दिन भर उत्साह और कॉन्फिडेंस आपके अंदर बना रहेगा। आज के दिन आपको कोई अच्छी खबर का इंतजार भी हो सकता है। आपके अधिकतर समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आज आप कई तरह के काम करना चाहेंगे। आपके लिए दिन अच्छा है। आपको धन लाभ और फायदा
हो सकता है पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन अपने निवेश पर ध्यान दें, आपकी कोशिशें सफल हो सकती है। आप ज्यादा मेहनत करने के मूड में रहने वाले हैं, माता पिता के साथ संबंधों में सुधार हो सकता है, अपनी सोच और विचार में कुछ अच्छे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। आज के दिन जो कुछ नकारात्मक बातें हैं, पैसों के लेनदारी और देनदारी में आप विशेष रूप से सावधान रहें। कोई अचानक से ऐसा बिल आपके सामने आ सकता है जिसको पे करने के लिए आपको पैसे की कुछ कमी नजर आएगी और इससे आपका मूड भी खराब हो सकता है। लव लाइफ की यदि बात करें तो आज आप अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं और आपके आपसी संबंधों में काफी हद तक सुधार होने के योग बन रहे हैं। पैसों के मामले में आज के दिन किसी पर भी भरोसा ना करें, आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। हालांकि आज के दिन कुछ मित्रों की मदद आपको मिलने वाली है और दूसरों से आगे निकलने में आज आप सफल हो सकते हैं। आज के दिन खुद की तारीफ ना करें। हेल्थ की यदि बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मानसिक तनाव कुछ बातों में रह सकता है, बन सकता है। आज के दिन उपाय में क्या करें, हनुमान जी के मंदिर में हलवे का भोग लगाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा। अब आइए बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि वाले, आज बिजनेस पार्टनर के साथ लंबी और महत्वपूर्ण बातचीत होने के योग बन रहे हैं। घर परिवार के परेशानियों पर आज के दिन आपको ध्यान देना चाहिए। अपनी समस्याएं सुलझाने पर आज आप ध्यान दें, इसमें आपको सफलता मिल सकता है। यहां तक कि अपने ही लोगों से आपको मदद भी मिलने वाली है। काम का दबाव कुछ कम होगा, ज्यादातर काम समय पर होने से आपके तरक्की के योग नजर आ रहे हैं। आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव कर सकते हैं, कैरियर में भी कुछ बदलाव करने से आपके काम पूरे हो सकते हैं। आज आप बहुत बातूनी मूड में रहने वाले हैं, लोगों के साथ कई मामलों पर बातचीत हो सकती है। आज आप थोड़े से चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। परिवार में किसी की सेहत भी खराब हो सकती है, कोई तनावपूर्ण स्थिति भी बन सकती है। फोन और कंप्यूटर के मामले में भी आज आपको कुछ परेशानी हो सकती है। आपके पुराने दुश्मन एक्टिव हो सकते हैं, इसलिए संभल कर रहे हैं। कागजी कामकाज में आपको सावधानी रखनी होगी। नौकरी या बिजनेस की कोई प्लानिंग आज बिगड़ सकती है और कामकाज में कुछ मन कुछ बातों में कम लग सकता है। ये कुछ नकारात्मक बातें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और इसके लिए पहले से सावधान और तैयार रहना चाहिए। लव लाइफ की यदि बात करें तो आज के दिन लव प्रपोजल के लिए अच्छा है। प्यार का इजहार करने के बारे में सोच रहे हैं तो समय खराब ना करें, कर दें। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। आपको स्टडी में अपने किसी सीनियर स्टूडेंट की मदद मिल सकती है। हेल्थ की यदि बात करें तो स्वास्थ्य आपका सामान्य बना रहेगा, कोई पुरानी समस्या खत्म हो सकती है। आज के दिन उपाय में क्या करें, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा। अब आइए बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वाले, योग्यता के कारण आज आपकी तारीफ हो सकती है। संतान से सहयोग मिलने के योग नजर आ रहे हैं। आपके सोचे हुए रोजमर्रा के कुछ कामकाज आज पूरे हो जाएंगे। पैसों की स्थिति में सुधार लाने के मौके आज आपको मिल सकते हैं। इनकम के तरीके बेहतर बनाने पर ध्यान दें। किसी खास काम के लिए कुछ लोग आपसे कांटेक्ट भी करने वाले हैं। आज के दिन कुछ नकारात्मक बातें जो आपकी राशि इशारा कर रही है कि आलस एवं तनाव कुछ बातों में बढ़ सकता है। आज के दिन पैसों को लेकर अधिक जोखिम ना लें। साथ काम करने वाले लोग आपके स्वभाव व्यवहार या उदारता का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा सावधान रहें। खास करके लेन देन और निवेश के मामले में आखिरी समय में आपकी प्लानिंग बदल सकती है। इन बातों के लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। इस राशि के लव लाइफ की यदि बात करें तो बहुत दिनों से मन में दबी बात आज आपके सामने आ सकती है। पार्टनर से आज आप प्यार भरी बातें सुनने वाले हैं, कुछ लोग इजहार भी करने वाले हैं। आज के दिन बिजनेस में
जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें कुछ अधिक मेहनत करना पड़ सकता है, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगा। परिश्रम आप करते रहें, सफलता धीरे धीरे लेकिन मिल सकती है। इस राशि के स्टूडेंट को अपने पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यदि आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। हेल्थ की यदि बात करें तो आज के दिन आपको सेहत पर ध्यान देना है और अपने भोजन में विशेष रूप से आपको संभल कर खाने की जरूरत है। अधिक तेल या मसालेदार खाना ना खाएं, इससे आपको नुकसान हो सकता है। आज के दिन उपाय में क्या करें, माता दुर्गा रानी को मिश्री का भोग लगाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा। अब आइए बात करते हैं अगली राशि तुला राशि। तुला राशि वाले, आज आप विरोधियों की कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। कोई ऐसा काम भी कर सकते हैं जिससे आपका नाम होने वाला है। पुराने मतभेद आज सुलझ सकते हैं। आज के दिन बातचीत करें और कन्फ्यूजन को दूर करें उन लोगों से जिनसे आप अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए दिन ठीक है, इनकम भी आज ठीक ठाक रहेगी। संतान पक्ष की ओर से कोई गुड न्यूज मिल सकती है। आज के दिन कुछ नेगेटिव बातें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए कि किस्मत का साथ कुछ कम मिल पाएगा। दिन भर सब अच्छा होने के बावजूद आप पता नहीं किसी बातों पर तनाव में रह सकते हैं। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और काम काज की तरफ ध्यान को विशेष रूप से केंद्रित करें। लव लाइफ की यदि बात करें तो पार्टनर के साथ मिलकर आने वाले दिनों के लिए कोई योजना आज आप बना सकते हैं। पार्टनर को लेकर पूरी तरीके से ईमानदार रहें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, कोई ऐसी बात ना कहें जिससे आपके साथी को तकलीफ हो। पार्टनर को आज सरप्राइज यदि आप देना चाहते हैं तो दिन अच्छा है। हेल्थ में आलस से बचें, थकावट आपको परेशान कर सकता है, इसलिए आराम जरूर लें। पुराने रोगों से आज आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। आज के दिन उपाय में क्या करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा। अब आइए बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले, आज आप अपनी बात साफ ढंग से रखेंगे और इसमें सफल भी हो सकते हैं। कोई ऐसा काम करेंगे जिससे एक साथ कई लोगों का फायदा होने वाला है। रोजमर्रा के काम समय पर पूरे होने के योग नजर आ रहे हैं। तनावपूर्ण मौके पर संतुलन रखने में आप सफल हो जाएंगे। भावनात्मक उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आज के दिन आप अपना व्यवहार लचीला रखें और सही समय आने का इंतजार करें। धैर्य से काम लें, लोग आपका ध्यान बांटने की कोशिश भी कर सकते हैं। घर परिवार और जीवन साथी से संबंध पहले से अच्छे हो जाएंगे। कुछ नकारात्मक बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ निजी परेशानियों में आप उलझ सकते हैं। परिवार और कामकाज में तालमेल कुछ कम होगा। अप्रिय विचार आपके मन में आ सकते हैं, ऐसी बातों को किसी से शेयर ना करें। कोई काम बिगड़ने पर आप मायूस ना हो। खर्चा और आलस आज के दिन कुछ अधिक होगा। परिवार में थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। वैचारिक और भावनात्मक उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आज के दिन आपको किसी से कर्ज भी लेना पड़ सकता है, इसलिए फालतू खर्चा ना करें और जोखिम भरे काम करने से बचें। समय का इंतजार करें, उचित समय आपको जरूर मिलेगा। पढ़ाई पर ध्यान दें और जो इस राशि के विद्यार्थी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको आज सफलता मिलने के पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। यदि आप किसी इंटरव्यू को देने के लिए जा रहे हैं तो आज आप सफल हो जाएंगे। सेहत में पहले से सुधार होने की योग नजर आ रहे हैं। लव लाइफ की यदि बात करें तो पति पत्नी में सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन रोमांस के लिए आप कुछ कम पल ही निकाल सकते हैं। कारण कुछ घरेलू काम आज आपको अधिक होने वाले हैं। उपाय में आज के दिन क्या करें, किसी महिला को हरी सब्जियों का दान करें, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम उपाय रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि धनु राशि। धनु राशि वाले, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। खास काम
आज आपके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। कार्य क्षेत्र में नई योजना बना सकते हैं और वो पूरी भी होगी। आज पैसों की स्थिति मजबूत होगी। निवेश और खरीदारी के अवसर आपको मिल सकते हैं। संबंधों में भी सुधार होने के योग नजर आ रहे हैं। आज आपको आराम करने का अवसर मिल सकता है। प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लोगों की भलाई के लिए कोई काम करेंगे, कहीं ना कहीं इससे आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। कुछ नकारात्मक बातें जिनसे आपको बचना चाहिए, आज के दिन किसी की भी बुराई बिल्कुल भी ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। साथ में काम करने वाले लोगों के साथ आज आपको कुछ अधिक मेहनत करना पड़ेगा। आप किसी दूसरे के मामलों में ना उलझें और वाहन का प्रयोग करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी करें। आज के दिन इस राशि के लव लाइफ की यदि बात करें तो आपको दिन बहुत अच्छा है, लेकिन किसी से भी बातचीत करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। खास करके अपने जीवन साथी या अपने लवर से भी बात करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो कोई वाद विवाद हो सकता है। हेल्थ के नज़रिए से समय बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। सुस्ती थकावट के अलावा कुछ परेशानियां बढ़ सकती है, इसलिए इन सभी नेगेटिव बातों से बचने के लिए आज के दिन दही में काली मिर्च लेकर और थोड़ा सा शक्कर मिला दें। घर से निकलने से पहले इसे आप खा लें, इससे आपका दिन बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। अब आइए बात करते हैं अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वाले आज ज़्यादातर जरूरी मामले सुलझ सकते हैं। वाहन खरीदने का विचार भी आपके मन में आ सकता है। आज के दिन आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोशिश करेंगे। बुद्धि से आप किसी भी उलझे हुए मामले को सुलझा लेंगे। अपनी बातों से लोगों को सहमत कराने में आप सफल रहेंगे। आपका मन लोगों से मिलने को आज के दिन कुछ अधिक करेगा। नए दोस्त आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। पुराने दोस्त भी आज आपको साथ देते हुए नजर आएंगे। सेहत में पहले से अधिक सुधार हो सकता है। जो आप सोचेंगे वो आसानी से कर देंगे। व्यक्तिगत कामकाज में प्रगति हो सकती है। आप जो नया कदम उठाएंगे समय आने पर उसका अच्छा नतीजा मिल सकता है। पैसों से जुड़ी चिंता आज आपको कुछ मामलों में सामने आ सकती है, इसके लिए अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज के दिन आपको इन बातों में सावधान रहना है, कोई लोग आपको धोखा दे सकते हैं। निवेश और लेन देन के फैसले बहुत सावधानी पूर्वक करें। इस राशि के बिजनेसमैन को आज कोई जरूरतमंद यात्रा करना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए फायदेमंद होगी। रुका हुआ पैसा आज आपको बिजनेस में मिलने का योग नजर आ रहा है। आज आप कुछ विशेष विषय में एकांत में पूरा ध्यान पूर्वक सोच विचार कर सकते हैं। हेल्थ की यदि बात करें तो स्वास्थ्य आपका उत्तम बना रहेगा। लव लाइफ में आज आपके पार्टनर थोड़े से भावुक हो सकते हैं। आप थोड़े बिजी भी रहेंगे, लेकिन समय आपको उनको देना चाहिए। आज के दिन उपाय में क्या करें? उपाय में आज गौ माता को रोटी खिलाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहेगा। अब आइए बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले ऑफिस यदि आज आप छुट्टी पर नहीं हैं तो ऑफिस के कुछ काम आज आप निपटा लेंगे। बिजनेस में ज़्यादातर काम में आज आपको सफलता मिलने वाली है। कोई नई जिम्मेदारी भी आज आपको मिल सकती है। परिवार और पैसों के मामले में आप व्यस्त रहेंगे। अधिकारियों के साथ बातचीत में सुधार हो सकता है। कहीं छोटी मोटी यात्रा होने की योग भी बन रहे हैं। कोई बड़ा काम शुरू करने का मन भी आप बना सकते हैं। पूरी योजना की जिम्मेदारी किसी और व्यक्ति पर हो सकती है। आज के दिन आप धैर्य रखेंगे तो सफल हो जाएंगे। आज के दिन कुछ विशेष बातें जो आपको ध्यान देना है, कुछ नकारात्मक बातें जो आपके राशिफल आपको इशारा कर रही है कि महत्वपूर्ण कामों की प्लानिंग ना करें। आपकी बातों और बोलने के तरीके पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। कोई भी बात करें तो सोच समझ कर करें, इससे नहीं तो आपको किसी खास मामले पर कुछ नुकसान हो सकता है।
कामकाज के दौरान आपको इन कारणों से कुछ परेशानियां आ सकती है, इसलिए इन बातों की ओर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आज आप बहुत जल्दी इरिटेट हो सकते हैं, इसलिए सुबह सुबह प्राणायाम जरूर करें। करियर के मामले में आज किसी को भी पैसा उधार ना दें और किसी तरह का कर्जा भी आज के दिन आप ना लें। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है। यदि आज आप किसी कंपटीशन को देने के लिए जा रहे हैं, किसी प्रतियोगिता परीक्षा को देने के लिए जा रहे हैं, तो आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। लव लाइफ में यदि बात करें तो पति पत्नी के बीच में किसी बात पर मन मुटाव हो सकता है। जीवन साथी की उपेक्षा ना करें, रिश्ते वैसे सामान्य हो जाएंगे, इसके लिए प्रयास आपको करना होगा। उपाय में आज के दिन बहते हुए जल में काली तिल का प्रवाहित करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा। अब आइए बात करते हैं अंतिम राशि पर, मीन राशि। मीन राशि वाले, इनकम बढ़ाने के कुछ अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। इसमें दूसरे लोग भी आपको मदद करने वाले हैं। पैसों के अधिकतर मामलों का निपटारा आपके अनुसार से हो सकता है। काम काज में आज आपको सफलता मिलने वाली है। मकान और जमीन संबंधी काम पूरे होने के योग नजर आ रहे हैं। आज के दिन बहुत दिनों से यदि पैसों से संबंधित आपका कोई काम रुक रहा है तो वो आज पूरा हो जाएगा, लेकिन आज के दिन आपको अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित करना होगा। यदि आप केंद्रित करते हैं तो सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। आज आपको समय पर साथ देने वालों की मदद मिल सकती है। कुछ नकारात्मक बातें जो आपको राशिफल दर्शा रही है, कोई अच्छा मौका या ऑफर मिले तो उस पर तुरंत रिएक्शन ना दें। नेगेटिव सोच विचार से दूर रहें। कमर के निचले हिस्से में कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। अधिक दौड़ भाग से आज आपको बचना चाहिए और आज के दिन कोई भी गलत कदम ना उठाएं, इससे आप मुसीबत में हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों का सहयोग आपको बताया मिल सकता है। इस राशि के स्टूडेंट को आज कुछ अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। दिन आपके लिए अच्छा है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले समय में इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। हेल्थ की यदि बात करें तो सिरदर्द हो सकता है, कोई पुरानी बीमारी आपको परेशानी में डाल सकती है, इसलिए सावधान रहें। लव लाइफ की यदि बात करें तो पार्टनर के साथ कुछ बातों में अनबन होने के योग बन रहे हैं। आज आपको किसी भी मामले का तुल देने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक हो सके कुछ बातों में आपका चुप रहना, मौन रहना आपके लिए उपयुक्त है। आज के दिन उपाय में क्या करें, किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को कपड़े का दान करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा। तो दर्शकों, आपने देखा क्या कहता है आपका आज का राशिफल। इसी प्रकार से ज्योतिष एवं धर्म से जुड़े अनेक रहस्यपूर्ण महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।